Welcome to Oxford Junior English Translation by Professor R.K. Sinha course. We will solve 201 Hindi to English translation exercises in this course. If you want to solve all exercises, then contact 9051378712. इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो क्लास में दिया। आइए करते हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 92 ऑफ 201 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पर हम लोग क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। आई के साथ हम लोग हैव यूज़ करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, हैव आई, नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन, हैव आई नॉट का शॉर्ट फॉर्म haven't I, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका he has, क्वेश्चन कैसे बनेगा, has he, नेगेटिव क्वेश्चन has he not और नेगेटिव क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म hasn't he। नेक्स्ट he has she, नेगेटिव has she not, शॉर्ट फॉर्म hasn't she। It has it, negative, has it not, hasn't it, okay. You have you not, haven't you, ठीक है, ये structure हो गया। Next, we have, have we not, negative, short form, haven't we, they have they not, short form, haven't they, ठीक है। आइए सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या मैंने उसे पीटा है, हैव आई बीटन हिम, क्या हम लोगों ने मैच जीत लिया है, हैव वी वन द मैच। नेक्स्ट, क्या आप खा चुके हैं, have you eaten next, क्या आप लोगों ने यह किया है, have you done it, क्या सीता आ चुकी है, has sita come, क्या वे लोग बाजार गए हैं, have they gone to market, क्या राजू ने झूठ कहा है, has Raju told a lie, क्या तुमने भगवान को देखा है, have you seen God, क्या बच्चे सो चुके हैं, have the children slept, क्या आपने नहीं खाया है, have you not eaten, short form, haven't you eaten, क्या सीता बाजार नहीं गई है, has Sita not gone to market, short form, hasn't Sita gone to market, क्या वे नहीं आए हैं, have they not come, short form, haven't they,
आपके घोड़े नहीं जीते हैं? ओके, हैव योर हॉर्सेस नॉट वन शॉर्ट फॉर्म, हैवंट योर हॉर्सेस वन? क्या राम पटना नहीं गया है? Has Ram not gone to Patna? Hasn't Ram gone to Patna? क्या तुम्हारी पत्नी ने साड़ी नहीं खरीदी है? Has your wife not bought a saree? Short form, hasn't your wife बॉट अ साड़ी? ओके, आइए इसका वोकैबुलरी सेक्शन देखिए। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 92 of 201। वोकैबुलरी, जीतना टू विन, भगवान गॉड, खरीदना टू बाई, साड़ी सारी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर देखिए। हैव, हैज़, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पॉजिटिव में, नेगेटिव में। हैव, हैज़, या तो हैव या तो हैज़, सब्जेक्ट उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। और नेगेटिव का शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगा? हैव नॉट का हैवेंट, हैज़ नॉट का हैज़न्ट, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे और भी कुछ शॉर्ट फॉर्म वाले सेंटेंसेस देखेंगे। ठीक है, और उस हिसाब से आप करेंगे। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल्स देख लीजिए। क्या तुमने राज को पीटा है? हैव यू बीटन राज? क्या वे लोग यहाँ आए हैं? हैव दे कम हियर? क्या उसने अपना काम किया है? हैज़ ही डन हिज वर्क? क्या बच्चे सो चुके हैं? हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट? क्या आपका भाई आया है? हैज़ योर ब्रदर कम? क्या आपने नहीं खाया है? हैव यू नॉट ईटन? हैवंट यू ईटन? हैव नॉट का फॉल्स शॉर्ट फॉर्म हैवंट। क्या श्याम ने झूठ नहीं कहा है? हैज़ श्याम नॉट टोल्ड अ लाई? हैज़न्ट श्याम टोल्ड अ लाई? क्या वह स्कूल नहीं गया है? हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल? हैज़न्ट ही गॉन टू स्कूल? ठीक है, देखिए जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल करेंगे उतना आपके लिए लेसन्स इजी होता जाएगा। ठीक है,